हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सब? तो आशा करती हूँ माता रानी से कि आप सब अच्छी होंगी, बढ़िया होंगी। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बस नाश्ता वगैरह हुआ, नाश्ता किया अभी, तो सर भी मैंने खुला छोड़ा क्योंकि अभी तेल लगाना है मुझे। तेल लगाऊंगी क्योंकि बहुत ख़ारिश हो रही है, इतनी ख़ारिश क्योंकि मेहंदी लगाई थी ना मैंने, मेहंदी लगाने के बाद इतनी ख़ारिश हो रही है ना सर, मैं अभी तेल लगाऊंगी। मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लूँ पहले, तो आज कुछ मैं बातें करूंगी आपसे थोड़ी सी। तो स्टार्ट करने से पहले, जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। तो आज कुछ बातें मैं शेयर करूंगी जो अक्सर लोग पूछते हैं, अपने हो गए, अपने रिलेटिव हो गए, कोई भी, मतलब आपसे भी ज़्यादा क्वेश्चन यही आता होगा, मुझसे भी ज़्यादा आता है क्वेश्चन, ये पूछते हैं लोग, क्योंकि होता है लोगों को भी। तो सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि आप इसमें कुछ करते हो, इसमें क्या कमाते हो, इसमें अर्निंग वगैरह है या ऐसे, मतलब कहीं की होती है सोच, कहीं की हो जाती है कि ऐसे ही वही नौटंकी कर रहे हैं, बकवास करते रहते हैं, क्या है इसमें, क्या करते रहते हैं, कोई काम है ये? तो कुछ नहीं है इसमें। तो पहली बात तो ये है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी अपना बिजनेस करते हैं, तो हमें पहले अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो हम जो हम खुद का अपना काम करते हैं, पैसे खर्च करके भी हमारा वो काम नहीं चलता, हम अपने पैसे भी खर्च करते हैं और वो बिजनेस भी नहीं चलता है। पहली बात तो ये है ना, हमें और एकदम से हमें पैसे नहीं मिलते हैं उसमें, हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, एक मंथ लगता है, दो लगते हैं, तीन लगते हैं, ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, एक दो साल भी लग जाते हैं कईयों को। तो मतलब काम जो है उसको करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये तो हमारा अपना ये है, इसमें अपना काम है, इसमें ना हम पैसे लगाते हैं, इसमें सिर्फ हमारी मेहनत होती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी सी लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है, ये वही लोग समझेंगे जो IT से और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, वो वही समझेंगे, और लोग नहीं समझेंगे इस बात को, वो सिर्फ मजाक उड़ाते हैं कि ये अपने हो गए। अपने भी मुझे तो सच बोलूँ तो मुझे ना बहुत अपनों ने भी बहुत डीमोटिवेट किया है मुझे, मैं नाम नहीं लूँगी, मतलब आ जाते हैं, कई हो जाते हैं अपने आप, और तो लोग कम होते हैं जिनमें से ज़्यादातर अपने, 10% आपके अपने हो जाते हैं और 20% जो बाहर के लोग बोलने लग पड़ते हैं। जब अपने ही बोलेंगे तो फिर बाहर वाले भी बोलने लगते हैं। तो पहली बात तो ये है, तो इसमें ये होता है कि हम, सच बोलूँ तो मैं तो आई थी यहाँ कुछ करने के लिए, पैसे ही कमाने के लिए आए हैं, सब लोग ऐसे ही आते हैं, पैसे कमाने के लिए आते हैं, कोई फ्री में नहीं आता है, और कई आते हैं दूसरों के लिए, जो मतलब किसी की हेल्प करने के लिए भी आते हैं जो, तो मैं खुद अपने लिए ही आई थी क्योंकि मेरे कुछ सपने थे जो पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो मैं इसीलिए आई थी। सभी आते हैं अपने अपने कोई ड्रीम लेके आते हैं, जो पूरे नहीं होते हैं वो आ जाते हैं इसमें। तो मैं बहुत सारे लोगों की देखती थी वीडियो, तो मुझे लगा ये कर सकते हैं तो चलो हम भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो चलो आ जाते हैं इसमें टाइम। तो मैंने भी यूट्यूब चैनल चला लिया। अभी किस्मत होती है, देखो 3-4 साल पहले जो लोग आए हैं वो फेमस हो गया, इसमें अभी इतना टफ है ना काम, कोई भी इसमें बहुत मेहनत है, इसमें व्यूज़ लाना बहुत आजकल यूट्यूब में बहुत टफ काम हो गया, बहुत ज़्यादा है। ये होता ना कि हम अपना काम जब इतनी मेहनत से इतने पैसे खर्च करके करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, हमें तो कमी हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं थोड़ी सी हो जाती हूँ, किसी की बातें जो है मुझे दिमाग में कैच कर जाती है, तो मेरी अपनी ही कमजोरी होती है, मेरी अपनी ही प्रॉब्लम होती है जो मेरे से काम पीछे हो रहा है, नहीं तो मैं कहाँ की कहाँ आज हो जाती। उस हिसाब से मेरी पहले की वीडियो देखना, बाद की देखना, तो मैं कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, लोगों की बातें, अपनों की बातें जो हावी हो जाती है ना यहाँ दिमाग में, तो वो आपको कुछ भी आगे बढ़ने नहीं देती है। तो वही हुआ, बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने देखो बहुत अपने ही रिश्तेदार होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करने आ जाते हैं, तो अपने घर को नहीं वो देखते हैं, तो मतलब आपको ही कुछ ना कुछ बोल देते हैं, वो अपनी फैमिली हो गई, अपने रिश्तेदार हो गए जो आपको बढ़ने देते, उनको मैं बोल देती हूँ कि
हमें इसमें इनकम जुड़ रही है हमारी, जब हमारे डॉलर कंप्लीट हो जाएंगे तब हमें सैलरी मिलेगी। तो इसमें भी मेहनत होती है, जो हम अपना काम करते हैं उसमें भी मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत होती है। ये नहीं है कि हमने ये काम किया तो हमें तुरंत पैसे मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना किसी में भी, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। मेहनत लगती है, इसमें भी मेहनत है। ये तो बाहर से हमें पैसे आते तो इसमें तो आपको पता ही कितनी मेहनत लगेगी, मेहनत लगती है। ये नहीं कि हमें पैसे नहीं आएंगे, पैसे हमारे जुड़ रहे हैं, वो हमारे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे वो पैसे आ जाएंगे इसमें। तो कई पूछते हैं लोग, तो कई तो ऐसे ही बोलते रहते हैं कि नौटंकी है नौटंकी है। देखो कोई बात नहीं, आप मत देखो, आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आती तो मत देखो, पर ऐसे ही पता नहीं क्यों लोग ऐसे ही बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं। प्लीज़ किसी को कुछ भी ऐसा ना बोलो कि उसको दिल पे जाके लगे, क्योंकि सामने वाला पता नहीं कितना दुखी है, उसको और ज़्यादा दुख दोगे तो फिर आप सुखी नहीं रह पाओगे। तो हम नहीं बोलेंगे तो वो तो है ना भगवान देखने वाला, वो तो देता रहता है टाइम टाइम पे, सबको जवाब देता है। हम नहीं बोलेंगे तो वो है हमारे बदले बोलने वाला। पर किसी के पीछे इतना भी मत पड़ जाओ कि वो बाद में आपको रोना पड़े, तो ऐसे मत बोलो। किसी को आप किसी की छोटी, मेरी मैं जैसे रील बनाती हूँ तो कईयों को प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी सी रील बनाती हूँ मैं 2 सेकंड की 3 सेकंड की रील पे आप मेरी सारी ज़िंदगी मैं नहीं देख सकती हूँ 2 सेकंड की। कईयों को है, कई जिनको प्रॉब्लम होती है, अच्छी तो है, लगा रही है, पहन रही है, खा रही है, मस्त है, नाच रही है, डांस कर रही है, तो कई बोलते हैं। तो उनको मैं ये बोलूं 2 सेकंड की मेरी रील होती है, उस पर आप मुझे जज करोगे। 2 सेकंड की रील में मैं हंसती हूँ, रो, उस पर आपको मेरी पूरी ज़िंदगी पता चल गई। 2 सेकंड के बाद क्या होता है मेरे साथ वो आपको पता नहीं चला, क्योंकि आप अपने में ही मगन हो, आपको किसी की खुशी में खुशी नहीं है। अगर वो बंदा लगा रहा है, पहन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो आप अपना भी देखो ना पहले कि आप वो उस ज़िंदगी को जी बैठे हैं जो हम जी रहे हैं थोड़ी सी। अगर मानो कि मैं फटे कपड़े में हूँ, किटोरा लेके भीख मांग रही हूँ, वो आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा ही लगेगा। भिखारी बन रहे हैं हम तो आपको अच्छा लगेगा। अगर थोड़ा सा हंस रहे हैं, गा रहे हैं, लगा रहे हैं, पहन रहे हैं, तो आपको क्यों दिक्कत है? अपना देखो ना आप पहले। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, किसी को बोल रही हूँ, सिर्फ मैं बता रही हूँ एक बात कि किसी को मत बोला करो। अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने तरीके से लोग जीते हैं, उसमें आपका कोई हक नहीं बनता है बोलने का। आप आपका हक जहाँ बनता है आप वहाँ बोलो, आपकी बेटियाँ हैं, बहुएँ होंगी, वहाँ उनको बोलो। आप किसी के मैटर पे ज़्यादा घुसने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है यहाँ। तो बोलने का इतना ही आपको, तो आप अपनी फैमिली को देखो, बहुओं को, बेटियों को देखो, हमें मत देखो। हमारी अपनी लाइफ है, हम जिस तरीके से जिएंगे हमें जीने दो। तो आपको ये दिन देख के आपको मेरी खुशी नहीं है? आप देखो मैंने कितना वक्त काटा हुआ है, आप भी तो पहनते हो, आप भी तो लगाते थे, पहनते हो, तो मैंने तो नहीं जज किया आपको। मैंने कभी किसी को नहीं बोला, किसी से नहीं बोला मैंने। अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी ये है ना, किसी को मैंने देख, जिसने भाई इस बंदे ने बहुत अच्छा लगाया है इसको देख के, मैं कभी भी नहीं जलती, उसकी अपनी किस्मत है, उसका अपना वो है, लगा रहे हैं तो वो लगाने दो भाई, जब हमें मिलेगा हम भी लगा लेंगे। एक ये भी तो देखो कि इस बंदे का घर भी नहीं है, घर नहीं है,
अच्छा घर भी नहीं है जी, फटे पुराने पहने, ऊपर से घर भी नहीं है, तब आप खुश हो, किसका भी कुछ है ही नहीं, तब आप खुशी मिल जाएगी आपको। दिमाग पर किस किस तरीके की लोग हैं, किस किस तरीके की। तो बस यही मैंने बात बोलनी थी, हमारी टेंशन मत लो, हम कर रहे हैं कुछ तो हमें मिल ही जाएगा, उसका कभी ना कभी मिल ही जाएगा। एक साल लगेंगे, दो लगेंगे, कोई बात नहीं, जितने भी लगेंगे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा ही। हमारे डॉलर्स बन रहे हैं, उसमें हमें कुछ ना कुछ मिलेगा ही, हम कर रहे हैं। तो मैं बीच में काम छोड़ देती हूँ, इसीलिए थोड़ा मैं पीछे हो जाती हूँ, पर कंटिन्यू काम करूँ तो वो हो ही जाएगा सबका। तो इसमें भी मेहनत लगती है, काम करने पड़ता है, तभी जाके कुछ मिलता है, ऐसे नहीं मिलता किसी को भी कुछ भी। तो मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ी अपनी ही मेरी प्रॉब्लम होती है जो मैं बीच में काम छोड़ देती हूँ। तो वैसे ही हम फ्री बैठते होते हैं, फ्री बैठते हैं, नेट फूकते हैं। मुझे क्या होता ना कि ऐसे समझ लो कि चलो कोई बात नहीं, टाइम पास ही समझ लो। आपकी नज़र का मैं बोल रही हूँ, आपकी बात बता रही हूँ कि चलो कोई नहीं, कुछ ना मिले, मिले ना मिले कोई बात नहीं है इसमें, भूखे तो हम मर नहीं रहे हैं, है भगवान ने दी है हमें रोटी पानी सब कुछ। तो बस ये समझ लो कि मेरी खुशी को जो मिलता है मैं वो करती हूँ, बस मेरे दिल को खुशी मिलती है इस काम से, मैं वो करती हूँ। कोई बात नहीं, मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, आपको मैं वो भी बताऊँगी जब मिलेगा। तो आप टेंशन मत लो, और आपको वीडियो देखनी है तो देखो, और ना देखनी हो तो कोई मजबूर नहीं कर रहा है आपको। पर ये है कि आप किसी को बातें मत बताओ, है ना, किसी की खुशी से जलो मत, जीने दो, क्योंकि आप अपनी फैमिली को देखो वो कितनी खुश है, दुखी है, खुशी है, वो उनको देखो आप, किसी को देख के मत ये हो, आप जीने दो अपनी ज़िंदगी ये सभी की। तो ज़्यादा मत बीच में बोलो, ज़रूरत नहीं है, अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मैं ही नहीं किसी को बोलती हूँ बिना मतलब के। और मजबूर मत करो आप, हर एक सभी बोल सकते हैं। तो बस ये था, और वीडियो का कोई नहीं, मैं काम छोड़ूंगी नहीं, करती रहूंगी, जब मुझे ठीक लगेगा मैं वीडियो डालूंगी, होगा जब से जैसे ही होगा मेरे से, डालती ही रहूंगी हम वीडियो, काम नहीं छोड़ूंगी। इससे हमें कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, मिलता ही रहेगा, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, ऐसे वैसे भी हम नेट ऐसे यहाँ वहाँ आदत है, हम भी कर रहे हैं काम, वैसे भी हम यहाँ वहाँ नेट वैसे अपना ख़त्म करें, तो इससे यही है कि हम अपनी वीडियो डाल रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो उसका फल मिल ही जाएगा हमें। थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम बीच में काम छोड़ रहे हैं, तो फिर वो हो रहा है, बाकी मिल ही जाएगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, उनको इनकम आ भी गई है, क्योंकि वो कंटिन्यू काम भी कर रहे हैं, तो मैं बीच में छोड़ देती हूँ। हर एक काम में जब हम अपना बिजनेस करते हैं, हम अपना काम करते हैं, तो उसमें मेहनत लगती है, तो वो मेहनत लगेगी तभी जाके हमें फल मिलता है, मेहनत का फल जो होता है ना वो मिलता है, लास्ट में मिलता है। तो ये है, अब मैं तेल डालूँगी सर में, तो चलो बाय बाय।